हाय एवरीवन, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जाने वाले हैं सकरबाग जू में, जो जूनागढ़ में लोकेटेड है। हमने बहुत सुना है लोगों से इसके बारे में। हम जूनागढ़ काफ़ी टाइम गए हैं, पर अफसोस कि हम ये जू विज़िट नहीं कर पाए। तो इस बार इस संडे को हम प्रॉपर टाइम लेकर स्पेशली ये जू विज़िट करने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून। इस जू में बहुत सारे इंटरेस्टिंग से एनिमल हैं, जो मैंने मैक्सिमम ट्राई किए हैं कि मैं अपने कैमरा में कवर कर पाऊँ। सो वीडियो पूरा देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन सब में से आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। हमारे घर से हम निकल चुके हैं जू की पूरी तैयारी के साथ, और वेरावट से जूनागढ़ अप्रॉक्स 86 किलोमीटर दूर है, तो हमें 1.5 आवर लगने वाला था। हम उस अकॉर्डिंग ही निकले थे। ये सकरबाग जू का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर सब ऐसे पार्किंग इसी तरीके से ओपन में करना है, और ये जो गेट दिख रहा है सामने, वहाँ से हमें टिकट लेनी है। ये टिकट काउंटर है, और ये जो बड़ा सा गेट दिख रहा है वहाँ से अंदर जाना है। एक बात जो एंट्री में ही हमने नोटिस करी, वो ये जो दूर पेड़ पे आपको जो बर्ड्स दिख रहे हैं, वो रियल बर्ड्स हैं। पहले हमें लगा कि ऐसे ही शोपीस होगा, बट एक दो बर्ड उड़े तो पता चला कि ये तो रियल है, रियल बर्ड्स। हाय एवरीवन, हेलो हेलो, हाय एवरीवन। ये मेरी फ्रेंड सारा जो वीडियो बना रही है, सेम लाइक मी। ये एंट्री गेट वाला वही ट्री है जो मैंने आपको दिखाया था, रियल बर्ड्स वाला। यहाँ से बस थोड़ा ही आगे जाना है और सबसे पहले बर्ड सेक्शन स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे बर्ड्स को ऐसे ग्लास में रखा गया था, जो काफ़ी नज़दीक दिख रहे थे। ये देखिए, अभी फिश खा के ऐसे अपने मुंह में शायद चबा रहा है उसे। फिर थे ये वाइट पीकॉक, जिनको अच्छे से छांव भी नहीं मिल रही थी, जो छोटी मोटी मिल रही थी वहीं बैठे बेचारे। ये ग्लास वाले सेक्शन में कहीं भी नेम प्लेट नहीं था, तो आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता है ये बर्ड कौन सा है। पर एक इंटरेस्टिंग सी बात ये थी, जो बिगिनिंग में आपको दिखाया मैंने, जो ट्री के ऊपर रियल वाले बर्ड्स थे, ये उसी टाइप के थे। कुछ बहुत ज़्यादा थे जो केज के ऊपर बैठे हुए थे, शायद वो उड़ने में सक्सेस हो गए हो और अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर उनसे मिलने आते हो। ये देख के काफ़ी सैड फील हुआ कि उनको क्या फील हो रहा होगा, बेचारे बोल भी नहीं सकते, तो आई रियली फेल सैड। ये है सिल्वर फेजेंट, जो माउंटेन में पाया जाता है, और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, डर बिल्कुल नहीं रहा। ये ब्राह्मिनी काइट है, और ये हमारे घर के पास भी काफ़ी ज़्यादा उड़ती हुई हमें दिखी है, तो अगर मुझे कभी चांस मिला तो मैं शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये बहुत अजीब से छोटे बच्चे के रोने जैसा आवाज़ निकालती है। फिलहाल ये बहुत डरी हुई है, तो ऐसे दूर दूर कोने में बैठी हुई है। तो ये हमारे घर पर भी आती है। दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ फेजेंट, और हमने जो पहले देखा था वो पूरा ऐसे ब्लैक एंड वाइट ही था, ये पूरा कलरफुल है, एंड दिस कलर आर शाइनिंग सो ब्यूटिफुली। मेरी तो आईज ही नहीं हट रही थी इस पर से, बिकॉज इतने नेचुरल कलर्स थे और इतने ब्यूटिफुल लग रहे थे। अगेन सी, ये बर्ड ज़्यादा बोल्ड है और बिल्कुल डर नहीं रहा है और ऐसे छुप नहीं रहा है। दिस आर रियल इंडियन काइट्स, एंड ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, उड़ते टाइम पे इतना लगता नहीं कि इतनी बड़ी ह्यूज होगी। बर्ड सेक्शन ख़त्म करके हम एनिमल सेक्शन में आए, जहाँ पर ये वाइल्ड कैट्स थी, और ये भी साइज़ में काफ़ी बड़ी लग रही थी। ये थी शेरनी की दहाड़, और अभी आप देखो लायन और लायनेस को ऐसे अलग केज में रखा गया था बाजू बाजू में, तो वो लोग ऐसे दूर से एक दूसरे को सहला रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख के ना कभी बहुत ज़्यादा सैड फील होता है कि बेचारे एनिमल्स को ऐसे रहना पड़ रहा है सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आपको पता होगा तो शेरनी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है और शिकार करती है, और वही शिकार करके अपना जो खाना होता है वो शेर को देती है। शेर खुद बहुत रेयर केस में शिकार करता है, तो शेर बस बैठा रहता है। खैर चलो, इस जू में तो क्या ही करेगा वो दौड़ दौड़ के, तो बेचारा बैठा ही रहेगा। इवन शेरनी भी बेचारी ऐसे थोड़ा चल के थक जाएगी और बैठ ही जाएगी।
यहाँ के जू की एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ केज बहुत ज़्यादा बड़े थे और एनिमल बहुत ज़्यादा नज़दीक से दिख रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि केज के बाद दो तीन ऐसे फेंसिंग की गई हो और फिर व्यूअर्स के लिए लेन बनाई गई हो, ऐसा नहीं था। काफ़ी नज़दीक पर सेफ़, यहाँ आप देख सकते हो लायन मुझे कितने नज़दीक से दिख रहा है, मैंने बिल्कुल जूम नहीं किया है मेरे कैमरे को और आप देखो कितना नज़दीक दिख रहा है। यहाँ पे दो शेर के बीच में शेरनी का केज था और उन सभी केज के बीच में इंटरकनेक्टेड एक डोर भी था, तो ये जू वाले जब भी वो डोर ओपन करते होंगे तब ये एनिमल एक दूसरे के केज में जाते होंगे। हम बस थोड़ा आसपास ऐसे देख रहे थे कि अभी कितना बड़ा है क्या है, उसमें देखा हमने ये नज़ारा, ये वाला शेर और जो शेरनी थी वो सामने सामने काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे थे, तो अब समझ सकते हैं कि इनको क्यों अलग रखा है, ऐसा ना हो कि दोनों ही आपस में झगड़ते रहे। और ये देखो आप, ये शेरनी इतने नज़दीक से आ रही है हमारे सामने, इनके लिए जो पानी पीने को बनाया गया था वो भी व्यूअर्स वाले केज डोर से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था, तो आप देख सकते हो शेरनी हमें कितने नज़दीक से दिख रही है। इन सबके केज के साथ था लैपर्ड का केज, तो हमने लैपर्ड भी देखा, वो थोड़े रेस्ट मोड में था तो थोड़ा मूवमेंट करके फिर से वो रेस्ट कर रहा था। तो ये सब देखने के बाद आगे गए हम जहाँ दिखे मगर, अभी हम बड़ौदा से हैं तो हमारे लिए तो एकदम नॉर्मल है मगर को देखना। उसके बाद थी ये बिग स्क्विरल जो ऑलमोस्ट बिल्ली के साइज जितनी बड़ी थी और इतने ब्यूटीफुल कलर्स थे उस पर के बहुत मज़ा आ गया इसको देख के। उसके बाद अंदर फिर से बर्ड सेक्शन स्टार्ट हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्ड सेक्शन में जाना। ये आप देख सकते हो मैकाओ पैरट है जो एक हाथ से अनार खा रहा है, दूसरे हाथ से उसने खुद को ऐसे संभाला हुआ है पूरे वो डंडी के ऊपर, तो मज़ा आ गया इसको देख के, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। आगे हमको मिले ये ग्रीन पिकॉक, हमने जनरली ब्लू पिकॉक देखे हैं जो इंडियन होते हैं, ये वाले अगर आप पहले वाले पिकॉक्स देखोगे तो उसकी गर्दन थोड़ी ग्रीनिश है तो वो ग्रीन पिकॉक है, और ये वाले जो है ये है इंडियन पिकॉक जो हमें नॉर्मली भी दिखते हैं। आगे थे ये दो वुल्फ जिसे हम भेड़िया बोलते हैं, और ये ऑलमोस्ट डॉग से थोड़े बड़े होते हैं, पर ये इतने ज़्यादा एक्टिव थे, इतना भाग रहे थे पूरे केज में, इसका कहीं पर भी नाम नहीं था तो मुझे नहीं पता ये एनिमल कौन सा है, पर अगर आपको पता है तो मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पता है ये वाला एनिमल कौन सा है, बिकॉज बहुत सारी जगह नेम प्लेट मिसिंग थी तो पता ही नहीं चल रहा था। इंटरेस्टिंग तो थे एनिमल पर पता नहीं चल रहा था कौन से है। पूरे जू में जैसे आप अंदर जाओगे तो यहाँ पर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जैसे डायनासोर है वैसे डिफरेंट एनिमल्स के स्टैचूज बनाए गए थे, तो इंटरेस्टिंग लगता है वो सारी चीज़ें। अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे जू के अंतिम चरण में जहाँ पे अभी हम लास्ट में ये सब स्नेक देखने वाले हैं, और ये स्नेक्स देख के भी बहुत मज़ा आया। वो बस एक ही जगह थे, ऑफकोर्स वो इतने मूवमेंट नहीं कर रहे थे। ये वाला जो स्नेक है ये है इंडियन कोबरा, और ये थोड़ा एक्टिव था बट इतना मूवमेंट नहीं कर रहा था। फिर ये है मॉनिटर लिजार्ड जिसे गुजराती में मॉनिटर घरोड़ी या गो भी कहा जाता है, और ये इतनी ज़्यादा मूवमेंट कर रही थी, काफ़ी टाइम हमने देखा कि इससे मिरर ही नहीं दिख रहा था, वो बस ऐसे टकराए जा रही थी जैसे कुछ है ही नहीं आगे। उसके बाद हमने देखे इगुआना, और ये बहुत ज़्यादा थे, अंदर भी काफ़ी थे बाहर भी इतने थे, एक्टिव भी थे, हर साइज़ में थे और बहुत ब्यूटीफुल कलर्स थे इनके, तो इनको भी देख के काफ़ी मज़ा आया। मैंने किसी जू में ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं ऑब्जर्व करी है तो मुझे तो मज़ा आया इस जू में विज़िट करके। जू इतना बड़ा था कि सच में हम थक चुके थे और ऐसा लग रहा था कि बस बाकी चीज़ों को बाद में आके देखेंगे, तो हो सकता है हमसे काफ़ी चीज़ें छूट भी गई है, बट हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ज़रूर आएँगे। और यहाँ से बाहर निकलते निकलते भी पूरा एक बड़ा सा गार्डन है, तो वो सारी चीज़ों को एंजॉय किया, सनसेट बस होने ही वाला था और हम इस जू से एग्ज़िट लेके बाहर निकले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।